आज हम आप सभी के लिए 50 MCQ लेके एक बार फिर से आ चुके हैं। चैप्टर का नाम है भारत का संविधान सिद्धांतवाद और व्यवहार, जो क्लास 11th का है, पोल साइंस चैप्टर 2। इसके 50 इंपॉर्टेंट MCQ यदि आप सही तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट हो जाएगा, आप अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को दे सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ। सबसे पहला प्रश्न कहता है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो संविधान के जो तीसरे भाग हैं उनमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने ठेकेदारों को कौन कौन सी सेवाओं का प्रावधान किया था? तो एशियाई खेलों से पहले जो निर्माण कार्य थे, सरकार ने ठेकेदारों को फ्लाईओवर और स्टेडियम का निर्माण करने का ठेका दिया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। आइए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित किस मजदूरी को लागू किया गया था? सरकार द्वारा निर्धारित किस मजदूरी को लागू किया गया था? इसका उत्तर है न्यूनतम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, समाज के वैज्ञानिकों की टीम ने सर्वोच्च न्यायालय में कौन सी याचिका दायर की थी? तो समाज के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की थी वो था बेगार और मजदूरी का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मचल लांगूंग को किस आयु में गिरफ्तार किया गया था? तो मचल लांगूंग को जो गिरफ्तार किया गया था तब उसकी आयु 23 वर्ष थी। 23 ईयर्स की आयु में मचल लांगूंग को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लांगूंग माईगांव जिले के किस राज्य का रहने वाला था? तो लांगूंग माईगांव जो था वो असम का रहने वाला था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है, वो असम का रहने वाला था। आइए हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को किस वर्ष चिट्ठी भेजी थी? डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को किस वर्ष चिट्ठी भेजी थी? तो इन्होंने भेजा था पहला 1967 और दूसरा 1996। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। आइए अब इसके अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा संविधान सभी लोगों को कौन कौन सा अधिकार देता है? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों को कौन कौन सा अधिकार देता है? तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है हमारे संविधान के द्वारा। ऑप्शन ए जो है उसका ये भी सही उत्तर है। लोगों को शिक्षा न प्राप्त करने का अधिकार, ये जो है ये नहीं होगा। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है ये वहाँ से हमें प्राप्त होता है, तो यही इसका एक सही उत्तर है। ऑप्शन एक जो है वो सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है? संविधान जो है वो नागरिक के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है? तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अन्य व्यक्तियों से भी संरक्षित करता है और निजी संगठनों से भी संरक्षित करता है। ऑप्शन ए और दो दोनों इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के दर्पण पत्र की मांग कब उठाई थी? मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के दर्पण पत्र की मांग कब उठाई थी? तो मोतीलाल ने अधिकारों के दर्पण पत्र का जो मांग था वो 1928 ईस्वी में उठाया था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन लाने के लिए क्या क्या किया गया था? मौलिक अधिकारों में परिवर्तन लाने के लिए क्या क्या किया गया था? तो संविधान में संशोधन भी हुआ था, संसद के कानून परिवर्तन हुए और सुरक्षा भी किया गया। मतलब ऑप्शन वन, ऑप्शन टू और ऑप्शन थ्री इसके तीनों सही उत्तर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ? दक्षिण अफ्रीका का संविधान हुआ था 1996 में लागू हुआ था। ऑप्शन टू जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, उपाधियों का अंत संविधान के किस अधिकारों में किया गया है? उपाधियों का अंत जो है वो संविधान के किस अधिकारों में किया गया है? तो उपाधियों का जो अंत है समानता के अधिकार में इसका अंत किया गया है। ऑप्शन थ्री जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कहीं भी आने जाने की बात संविधान के किस अधिकार में उल्लेखित है? भारत में कहीं भी यदि आप आना जाना चाहते हैं तो ये संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो ये स्वतंत्रता के अधिकार में उल्लेखित है। ऑप्शन टू जो है इसका सही उत्तर है। मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूर पर रोक संविधान के किस अधिकार में इसका वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन एक जो है इसका सही उत्तर है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार संविधान के किस
अधिकार में उल्लेखित है। अल्पसंख्यक को यदि शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना है तो ये अधिकार है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार में इसका उल्लेख किया गया। ऑप्शन चार जो है इसका सही उत्तर है। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। छुआछूत की प्रथा डैस का सबसे भद्दा रूप है। छुआछूत का जो प्रथा है वो असमानता का सबसे भद्दा रूप है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, असमानता का सबसे भद्दा रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समानता का अधिकार भारत को एक डैश के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है। सच्चे लोकतंत्र, ऑप्शन बी जो है इसका सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? निजता, अस्पृश्यता, कानून का शासन और आरक्षण। आरक्षण के साथ इसका संबंध है। ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार स्वतंत्रता अधिकार व्यक्तियों को क्या करने की अनुमति नहीं देता है? संविधान के अनुसार यदि आपको जो अधिकार मिला है उसमें व्यक्तियों को क्या नहीं करने का अधिकार मिलता है तो वो अधिकार है किसी भी स्वतंत्रता को भंग करना, ऑप्शन ए भी सही है, और कानून व्यवस्था को ठेस पहुँचाना। ये दोनों ऑप्शन 1 और 2 जो है इसके सही उत्तर है, क्योंकि ये दोनों करने की स्वतंत्रता जो है वो हमें संविधान नहीं देता है। निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक अधिकार है? निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अधिकार है? तो निम्नलिखित में से जो आर्थिक अधिकार है वो है रोजगार का अधिकार। आर्थिक अधिकारों में इसका नाम सबसे ऊपर आता है। ऑप्शन 1 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिक संगठन बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो श्रमिक संगठन बनाने का अधिकार जो है वो जीवन का अधिकार है। ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति व सुरक्षा के लिए खतरा हो तो सरकार क्या कार्रवाई करेगी? उस समय सरकार उसे बंदी बना लेगी, जेल में डाल देगी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निवारिक नजरबंदी कानून के अंतर्गत दोषी व्यक्ति को कितने समय तक जेल में रखा जा सकता है? तो ऐसे ऑप्शन में उन्हें 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। ऑप्शन 4 या फिर आप डी कहिए, ये इसका सही उत्तर है। पुराने समय में जमींदार व धनी लोग गरीब व दलित लोगों से क्या करवाते थे? पुराने समय के जो जमींदार लोग थे वो गरीब लोगों से क्या करवाते थे? बंधुआ मजदूरी करवाते थे, उन्हें मजदूर बना लेते थे। ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर है। धार्मिक स्वतंत्रता, संविधान के अनुसार व्यक्ति कौन सा धर्म अपना सकता है? धार्मिक स्वतंत्रता के हिसाब से अब व्यक्ति कौन सा धर्म, अपने पसंद का धर्म अपना सकता है, जिसे जो मर्जी है अपनाए, जिसे जो खाना है खाए। ये स्वतंत्रता है हमारे संविधान का जो हमें मिला है। आप हिंदू बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, सिख बन जाओ, ईसाई बन जाओ, जो बनना है आप अपने मर्जी से बनो, इसमें आपको कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये आपके स्वयं के इच्छा पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता पर सरकार क्या प्रतिबंध लगा सकती है? यदि धार्मिक स्वतंत्रता अगर सरकार देती है तो कुछ उसमें प्रतिबंध भी जरूरी है। वो है सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए और लोक व्यवस्था नैतिक तथा स्वास्थ्य के आधार पर। ये दोनों इसके ऑप्शन 1 और 2 ये रोक लगा सकती है। अब देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर यदि आप गंद फैलाओगे समाज में तो ऐसे में सरकार की कड़ी नज़र आपके ऊपर होगी और आप इसके एवज में सजा भी पा सकते हैं। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सरकार किन धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की बजाय प्रतिबंध लगा सकती है? तो देखिए, सरकार जो है उसके हाथ में सब कुछ है। अगर आप सती प्रथा को बढ़ावा देते हैं तो आपको सरकार रोक लगा सकता है। एक से अधिक विवाह करते हैं, शादी करते हैं, शादी पे शादी करते हैं तो भी आपको इस पर सरकार जो है धार्मिक मामले में रोक लगा सकता है। मानव बलि, आप खलीफा बन रहे हो सरकार के नाम, वो मतलब धन के नाम पर लोगों को भड़का रहे हो, तो ऐसे में भी आपको मतलब उपरोक्त सभी 1, 2, 3 और 4 चारों कंडीशन इसका सही है, इसलिए उपरोक्त सभी आप इसका सही उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार धर्म परिवर्तन कैसे किया जाता है? संविधान के अनुसार यदि धर्म परिवर्तन कोई व्यक्ति करना चाहता है तो उसके लिए सबसे अच्छा है इच्छा अनुसार। अगर उसकी इच्छा है कि वो हिंदू से मुसलमान बन जाए, मुसलमान से हिंदू बन जाए, या फिर दुनिया के किसी भी धर्म को अपनाना चाहे तो वो अपने इच्छा अनुसार इन सब चीज़ों को अपना सकता है, इसमें किसी का कोई वो नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट कहता है, क्या भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या अन्य किसी भी
लोगों के लिए किसी विशेष धर्म का होना जरूरी है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि भारत में आप किसी भी धर्म से हो और आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अच्छी बात है, खुशी की बात है, हालांकि थोड़ा मुश्किल भी है, इतना आसानी से नहीं बन जाता है कोई। लेकिन अगर आप बनना चाहते हो और आप किसी भी धर्म से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हो, राष्ट्रपति बन सकते हो या किसी भी चीज़ों को अपना सकते हो। तो ये बिल्कुल नहीं है, सही है इसका उत्तर ऑप्शन ए। क्या राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए किसी विशेष धर्म को महत्व दिया जाता है? अगर ऐसा है तो नहीं है, इसका उत्तर नहीं हुआ। किसी भी राज्य में आप चले जाओ, आपसे कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूछ के आपका दाखिला किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी या ट्यूशन सेंटर में नहीं लेते हैं, वो डायरेक्ट आपका एडमिशन लेते हैं। हाँ, ये बात दूसरी है कि एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें ये चीज़ भरनी होती है कि आपका धर्म क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे आपने बोल दिया हिंदू है तो आपका एडमिशन नहीं लेंगे, नहीं, ऐसा गलत बात है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसी समुदाय को अल्पसंख्यक किस आधार पर माना जाता है? किसी समुदाय में यदि अल्पसंख्यक आप माना जाता है, भाषा और संस्कृति के आधार पर उन्हें अल्पसंख्यक माना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसने दिया था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो दिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन्होंने संविधान को भी लिखा था, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है परमादेश कब जारी किया गया था? तो परमादेश जारी किया गया था कानूनी और संवैधानिक दायित्वों के पालना नहीं होने पर। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है कि कानूनी और संवैधानिक दायित्वों की पालना नहीं होने पर ये परमादेश को लागू किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कौन कौन सी संस्थाएं अल्पसंख्यकों, महिलाओं तथा दलितों की रक्षा करती है? अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी संस्थाएं जो है वो अल्पसंख्यक महिलाएं एवं दलितों की रक्षा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे हमारे यहाँ अभी भी एनजीओ हैं जो ऐसे कामों को बढ़ावा देते हैं। तो पहला जो है वो अल्पसंख्यक आयोग भी है जो अल्पसंख्यक महिला एवं दलितों का रक्षा करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग भी करता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी करता है, मतलब उपरोक्त सभी सारे जो है इसके सही उत्तर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया? सरकार ने किस वर्ष मानवाधिकार आयोग का गठन किया था? वो किया था 1993 में, 1993 मेरे जन्म वाले साल में किया था, मेरे बर्थ ऑफ ईयर में किया था। वाओ, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच सबसे पहले कौन सा आयोग करता है? किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को यह अधिकार दिया गया है। ऑप्शन टू जो है इसका सही उत्तर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ही किसी पीड़ित के ऊपर हो रहे पीड़ित के जांच के लिए आगे आते हैं। मानवाधिकार आयोग का सबसे प्रभावी हस्तक्षेप युवकों के गायब होने तथा दंगों के मामले में किन राज्यों का नाम आता है? तो ऐसे में जो नाम आता है वो आता है पंजाब और गुजरात का। ऑप्शन टू इज द इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन टू। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आपका इसमें पहला चुनौतियों का सामना करना, नागरिकों में समानता, कल्याणकारी कार्य, उपयोग सभी, मतलब ऑप्शन ए बी सी डी जो है वो इसके सब सही उत्तर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो राजनीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख की अगर बात की जाए तो वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 51, ये दोनों इसके सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का निर्देशक तत्व तो नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का निर्देशक तत्व तो नहीं है? तो यहाँ पे है आपको कौन सा राज्य, अगर बात करें बधुआ मजदूरी की मनाही, निम्नलिखित में से जो ये राजनीति निर्देशक तत्व तो है उसमें सी जो है बधुआ मजदूर, ये इसका सही उत्तर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों को कौन सुरक्षा प्रदान करता है? जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, आप भारत में संविधान से प्राप्त हुए हैं आपको, उनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है, सुप्रीम कोर्ट, SC, अक्सर सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को झाड़ लगा दी, पंजाब के मुख्यमंत्री को लगा दी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लगा दी, यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री केंद्र सरकार को ठोक दी। तो ये सब उनके अंदर है, वो सर्वोच्च न्यायालय हैं, उन्हें अपने देश की रक्षा सुरक्षा और इसके साथ साथ उनके कानून व्यवस्था, इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स जो जीवन में मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं वो सबका देखभाल उन्हें करना है। क्योंकि कोई सरकार ही कभी कभी गलत कदम उठा देती है, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में बैठे सर्वोच्च न्यायाधीश लोग इस पर कड़ी नजर रखते हैं और सबकी आलोचना करते हुए सबको
डंडा देके सही रखते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1976 में कौन से संविधान का संशोधन किया गया था? तो वर्ष 1976 की अगर बात की जाए तो उसमें 42वें संविधान के संशोधन किए गए थे। ऑप्शन टू जो है इसके सही उत्तर है, ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें संविधान अधिनियम के द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। इसे निकाला गया था 44वें संविधान संशोधन के बाद। इसे संविधान से हटाकर बोला कि हट पगले, संपत्ति का अधिकार तेरे बाप का राज है, नहीं दूंगा, जा, इसे निकाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, संपत्ति के आधार अधिकार का वर्तमान स्वरूप कैसा है? संपत्ति के अधिकार की अगर बात करें तो ये कानून के अधिकार के अंदर आता है। अब ये कानूनी अधिकार में है, ये अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, हमारे राइट्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने की मनचाही दी गई थी? अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 300 क से यह हमें मिला था, संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने का मनचाही दिया गया था, मतलब जब चाहे वो मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकते हैं। तो ये है अनुच्छेद 300 क। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है ही नहीं। अब देखिए आप लोगों को बता दूं कि यदि इस चैप्टर को समझने में यदि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हुई हो या किसी प्रकार की दिक्कत हुई हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, आज अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और सब्सक्राइब इसलिए कर लें ताकि आपको आगे आने वाले हमारे सभी एजुकेशनल वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाएं, जिससे आप अपने आने वाले भविष्य में इस तरह के क्वेश्चन या फिर NCERT या फिर CBSE जैसे पैटर्नों को क्रैक कर सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।